पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में भारत को योगमय बनाने का, भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को और हमारे देश की सीमाओं पर जो रक्षा में लगे हुए हैं हमारे देश के जवान, उनको कैसे हम प्रोत्साहित करें, उनके मान सम्मान को हम कैसे बढ़ाएं, तो आज देश के समर्पित, देश के लिए, देश के आन बान और शान के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने वाले उन वीर शहीदों के सम्मान में आज हम सभी एक सम्मान सह संकल्प समारोह का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के बलिगांव पंचायत स्थित लालगंज गांव के इस प्राचीन दालान में बैठ करके, जो हमारे पुरखों का विरासत भी दालान है, ऐसा दालान आजकल देखने को कम ही मिलता है। तो आज आप सभी 5 दिवसीय योग शिविर में भी उपस्थित है और आज चौथा दिन है और हमने आज एक ऐसे वीर सैनिक को मंच पे बुलाया है जिनका नाम है ललन जी, आदरणीय ललन जी। इन्होंने देश की सेवा के लिए, पूरे राष्ट्र यानी भारत माता को बचाने के लिए, भारत माता के आन बान शान उसके आवरू को बचाने के लिए सीमाओं पे लड़ते हुए दुश्मनों से गोलियां भी खाई और गोलियां खा करके पैर में गोली लगा हुआ है और कई विरोधी सैनिकों को, दुश्मनों को इन्होंने मार गिराया और इन्होंने कई मेडल को भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया है। ये मेडल आपके सामने है। इन्होंने डिब्रूगढ़ से लेकर के नागालैंड से लेकर के हिमालय से लेकर के लेह लद्दाख से लेकर के कश्मीर से लेकर के अलग अलग विषम परिस्थितियों में भी बर्फ में चढ़ करके भी अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने घर परिवार बाल बच्चों को परवाह ना करते हुए इन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। ऐसे वीर योद्धा को एक बार सब हम लोग कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत करेंगे। आइए एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारा देश वीरों का देश है और इस देश में हर समय वीरों का आगमन होते रहता है और ऐसे वीर वीरांगनाओं से हमारा देश भरा पड़ा है और देश आजाद भी हुआ है तो वीर वीरांगनाओं की कुर्बानियों के द्वारा हुआ है। इसलिए आज 7.5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं को एक बार हम सब सब नमन वंदन करते हैं जिन्होंने जान को कुर्बान करके हमारे देश को आजाद कराया है। तो आज हम सब, मैं चाहूंगा कि इनकी जो अनुभूतियाँ हैं, मैं चाहूंगा कि हम लोग के सामने 1 मिनट में रखने का प्रयास करें ताकि हम सबका भी मनोबल ऊंचा हो और इनके अनुभव से देश के जो नौजवान हैं वो प्रेरणा ले सके और एक नई दिशा, नई चेतना, नई उमंग के साथ राष्ट्र के कल्याण के लिए राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत होकर के वो आगे बढ़ सके। तो आइए आदरणीय ललन जी से मैं चाहूंगा कि 2-4 शब्द देश के लिए बोले। आपने कैसे लड़ाई लड़ा, कैसे आप संघर्षों में अपने जीवन को जिया और कैसे आप राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत होकर के देश सेवा में लगे रहे और आज भी पूरे जज्बा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, आज उनका उम्र करीब 85 साल हो रहा है, 85 साल में भी आपने पूरे गांव के लोगों को, नए नए युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और वहां के रोमांचकारी कहानियों को बता करके युवाओं में जोश भरते हैं। तो आइए चलते हैं आदरणीय ललन जी के पास और 2 शब्द हम सबके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। आप कितना साल पहले सेना में भर्ती हुए? सर, मैं बहुत 64 हो गया था और भरने के बाद में हमको फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद में भेज दिया गया लद्दाख, नेपाल लद्दाख, नागालैंड, हिमालय पर्वत को घूमते हुए हम चला गया था। हम डिब्रूगढ़ आसाम वहाँ पकड़े, पैदल नहीं, गाड़ी से, गाड़ी से गया था, ट्रेन से। और वहाँ जाने के बाद में कन्याकुमारी चला गया था, बंगाल के खाड़ी में चला गया था। वहाँ से जब घूमते हुए
साल हमको 18 साल बीत गया है। 18 साल बीतने के बाद में हमने खुद सरकार की तरफ से हम रिटायर होने अपना साल पूरा हो गया। अपने लड़ाई कैसे लड़ाई? हाँ, लड़ाई में तो हमें लास्ट कंट्रोल रहे थे, लास्ट गिरा हुआ है। जो पहले कहा है हमारे छाती पर से मरा गया था, उसका लास्ट हम पूरा पोजिशन गचित कर लाया था और ऊपर तक गोली चल रहा है, हम नीचे से जा रहे हैं। वो मरा गया बेचारा, उसके लास्ट हम लाए और लाने के बाद में सब कुछ को हम करने के बाद में सब हमारा आदमी आया। अब चल चिखलाई के दौरान समुद्र में सब डूब गया था, डूबने के बाद में ये 4 मेडल आपका है। हाँ। तो ये मेडल कैसे मिला, इसमें क्या आपने कौन सा काम किया? कौन सा लड़ाई में गया, लड़ाई में गए, लड़ाई जीत कर के आए। हाँ। और अपने साथी को भी अपने आंखों के सामने शहीद होते देखा इन्होंने, और उसम परिस्थितियों में भी ये हतोत्साहित नहीं हुए और इनका मनोबल गिरा नहीं और माँ भारती के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखते हुए इन्होंने बड़ी सोच और बड़ी लगन के साथ ये काम में लगे रहे और 4 मेडल जीत करके आए। ये हमारे जिले के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे जीवन के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित है मेडल। यह मेडल देख करके पूरे गांव के लोग, लालगंज के गांव के लोग बहुत ही आनंदित होते हैं कि हमारे गाँव के एक ऐसे वीर योद्धा देश की सेवा में लगा रहा और मेडल ये हमारे जीवन का, इनके जीवन का एक मुख्य कमाई है। और मैं चाहूंगा एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे वीर जवानों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐ वीर धारा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है? भारत में भारत माँ की आन बचाने को, इस देश की आन बचाने को भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है। ऐसे दिव्य संकल्पों के साथ हम सब